जैन इमाम ने एकता कपूर के नए शो बेकाबू में राक्षस प्रथम का किरदार निभाकर अपने फैंस को खुश कर दिया है। बेशक जैन महज एक एपिसोड के लिए ही इस शो का हिस्सा बने हैं, लेकिन उनके किरदार ने शो में जान डाल दी। देखा जाए तो पिछले लंबे वक्त से जैन टीवी से ब्रेक पर हैं और उन्होंने हालिया इंटरव्यू में ये खुलासा भी किया कि वो बेकाबू शो करने में भी काफी डाउटफुल थे, लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त पर एकता के इस शो का हिस्सा बनने का फैसला किया। जी हां, जैन ने एकता के शो को क्यों करने का फैसला किया था और राक्षस का किरदार निभाया, इस बारे में जैन ने अब जाकर खुलासा किया है जब शो ऑन एयर किया जा चुका है। इंडिया टुडे से खास बातचीत में जैन ने इस बारे में बताया कि शुरुआत में जब उन्हें शो का ऑफर दिया गया तो वो काफी डाउट में थे शो करने को लेकर, क्योंकि वो टेलीविजन से ब्रेक पर थे। वो शो को करने को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, लेकिन जब उन्हें किरदार और कहानी पता चली तो उन्हें लगा कि ये तो काफी दमदार है, ये ऐसा शो है जिसके जरिए वो कमबैक कर सकते हैं। जैन ने बताया कि क्योंकि ये एकता कपूर का शो है और वो फैंटेसी शो की क्वीन कही जाती हैं। वहीं खुद जैन ने भी कभी कोई फैंटेसी शो नहीं किया था, इस कारण जैन को लगा कि ये शो उन्हें जरूर करना चाहिए। जैन बताते हैं कि वो एकता और चैनल को ना नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने एकता के सामने एक शर्त रखी कि वो शो का हिस्सा तभी बनेंगे जब उनका कैमियो रोल होगा। वह एकता जैन को अपने शो में हर हाल में लेना चाहती थी, वो चाहती थी कि जैन इस शो में जरूर नजर आए। ऐसे में कैमियो रोल में हिस्सा ही एकता ने जैन को कास्ट कर लिया, और क्योंकि जैन ने भी कभी इस जॉनर का शो नहीं किया था और ना ही ऐसा किरदार निभाया था, इस कारण जैन ने भी शो को कर लिया। और कहना ही पड़ेगा कि जिस अंदाज से जैन ने राक्षस प्रथम का किरदार निभाया उसे देख ऐसा ही लगता है जैसे ये किरदार सिर्फ और सिर्फ जैन के लिए ही गढ़ा गया हो। फैंस तो ये तक मांग करने लगे हैं कि जैन को शो का लीड हीरो चुनना चाहिए था, हालांकि जैन सिर्फ कैमियो रोल ही करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से जनता मांग कर रही है, क्या पता शो में आगे जाकर कुछ ऐसा सीक्वेंस जुड़े जहां जैन और शिवांगी को फिर से लो कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन शो में देखें।